जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। हम आप सबकी बहन आरती घोसी ब्लॉग में आप सभी दीदी भैया को तहे दिल से स्वागत है। आज के आपके नए ब्लॉग में आपकी बहन आरती। आप सबको बताइए कि हमारे चैनल को नाम भी आरती घोसी ब्लॉग है और आपकी बहन का भी नाम है आरती घोसी। तो भैया अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपकी बहन अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो आज आपके लाने लेके आए हैं एक बहुत खास जानकारी, आप सभी के लाने बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों के लाने, बालाजी सरकार के सभी भक्तों के लाने। तो आप सबको वीडियो में बने रहे, आज बहुत खास जानकारी देने वाले हैं। कैसे बागेश्वर धाम सरकार को यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दिव्य दरबार यानी के उनको कार्यक्रम को आयोजन हो रहा है महाराष्ट्र बम्बई में। जी हाँ, आप फिर से पहुंच गए हैं बागेश्वर धाम सरकार बम्बई महाराष्ट्र में, जो कि आप सबको पता है कि 3 दिन को नहीं है पता तो हम बता भी बैठे हैं। हम कब काम आएंगे बताओ, हम कब काम आएंगे अगर आप और हम जानकारी नहीं दे हैं, हम नहीं बताते हैं। तो भैया बता भी बारे तो बहुत से, लेकिन अपनी बहन भी आपकी बहन भी बताते हैं तो आप बता रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार को 3 दिन को दरबार लगने हैं जो कि बम्बई महाराष्ट्र में लगने हैं। इतने सारे आरोपों के बावजूद भी उनके लाने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनके लाने मना कर रहे हैं कि वे उनके लाने बैन कर दा हो जाए, उनके लाने आगे बढ़वे के लाने सवाई, मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं उनके ऊपर उत्पन्न कर रहे हैं उनके रास्ता में। लेकिन वे सवाई समस्याओं को सवाई कांटों को पार कर जा रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। कैसे उन पर बालाजी महाराज की कृपा है, यही तो उनको चमत्कार है। बताओ इतना ज़्यादा चमत्कार है बालाजी महाराज को, अपने हनुमान दादा को इतना ज़्यादा चमत्कार है। नहीं हो तो इतनी सारी समस्याओं के बाद में इतने सारे भक्त मतलब उमड़ रहे हैं और नेता राजनेता सभी बिल्कुल VIP और ज़्यादा से ज़्यादा उनके दर्शन पावे के लाने श्रद्धालु जुट रहे हैं। तो काय की वजह से, उनके बालाजी महाराज के चमत्कार की वजह से। और आप सबको एक बात और बता दें, वे कब पहुँचे हैं, वे पहुँच गए थे 7 तारीख की सुबह 4:30 बजे पहुँच गए थे। कैसे 7 ही तारीख से बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को दरबार लगने हैं, हनुमान कथा को आयोजन होने हैं, वो भी 3 दिना को। तो उतने मतलब श्रद्धालु इतने ज़्यादा उमड़ गए थे, जैसे ही पता चलो कि बालाजी देखो पहले ही से तैयारियाँ होने लगा थे, लेकिन उनको बालाजी महाराज को समय निर्धारित नहीं है तो ये कब कब पहुँच जाए। कैसे उनके, आप सबको पता ही कि बहुत सारी उनकी कथाएँ, 2 कथाएँ निष्कारित हो गई हैं, रद्द कर दी गई हैं, मतलब तारीख रद्द कर दी गई है बालाजी मतलब बागेश्वर धाम सरकार ने यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जानकारी दी थी कि उनकी 2 कथाएँ रद्द हो गई हैं कछु कारण की वजह से। लेकिन कथा रद्द नहीं हुई, तारीख आगे बढ़ गई है। तो तारीख आगे बढ़वे के लाने वैसे भी बहुत सारी ऐसी, और आप सबको पता ही कि जो 13 तारीख से 13 मई से 17 मई तक जो हनुमान कथा को आयोजन होने हैं बिहार में, तो उनमें कितनी ज़्यादा युद्ध हो रहा हो, महाभारत हो रहा हो, समझ लो बातों में महाभारत होने लगो है। कैसे राजनीति बारे ज़्यादा घुसन लगे हैं भैया, राजनीति बारे, राजनीति नहीं करते हैं लेकिन बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजनीति में तो नहीं पढ़ते, लेकिन जो राजनीति बारे हैं वे ओ में पढ़ने लगे हैं बहुत ज़्यादा। वे अपने आप में उनके लाने घुसन नहीं देने होते, नहीं जान देने होते, नहीं जान। आप सबको पता है कि जब पिछली बार वे होते गए थे महाराष्ट्र यानी बम्बई गए थे तो कितो ज़्यादा बवाल मचा होगा, तो आप सब सबको पता ही हुई है। अब पता नहीं कहाँ हुई है, वे नहीं करत बवाल को करत है। वे तो छोटी सी बात भी अगर अपन नॉर्मल अपन जैसे अपन बात कर रहे हैं तो अपन कछु को कछु बोल दे, लेकिन वे इनकी इतनी ज़्यादा पहुँच हो गई है बस काई की वजह से, बालाजी महाराज के आशीर्वाद की वजह से। और उनके लाने लोग बढ़न नहीं दे रहे, और उनने तो जब गए हैंगे तो उन्हें मतलब सभी जनों से बातचीत करी है। और आप सबको बता दें कि कश्मीर के जो कि मतलब कोई मंत्री हैं, कोई हमें नाम याद नहीं है, और डिस्क्रिप्शन में बता दें, अब हम पढ़े तो वीडियो ख़राब हो जाए, तो हम मतलब क्योंकि कश्मीर के कोई नेता हैं तो बम्बई आए थे, तो उन्हें पता चलो कि बालाजी महाराज मतलब बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं, तो सोची उनके दर्शन कर लें। तो उनने इतनी बड़ी बात कही कि भी मतलब जातिवाद से ऊपर उठ के, कोई जातिवाद की लड़ाई भड़ाई के सब ऊपर उठ के काय की लड़ाई करवा है, काय कौन से युद्ध हो रहा है। तो मतलब उसके लाने आगे करके मतलब सबके लाने एक तरफ रख के मतलब जातिवाद के लाने सब भी अपने हिंदू की मतलब भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यही में आदमों के लाने बुरा लगे तो लगत रहे जो उनके लाने अपन होगा फर्क नहीं पड़ती है। और आप और हमें कमेंट करके भी बताते रहो करें कि वीडियो अच्छे लग रहे हैं, वीडियो में जानकारी अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, तो कहाँ गलती हो रही है, हम सुधार भी की कोशिश करें, इतनी मेहनत कर चुके हैं हम,
अगर इतनी मेहनत के बाद हमें फल्ले में ले तो भैया ससुराल में रह के वीडियो बनाओ आसान काम नहीं रहते, सबकी बातें सुनो। मायके में तो मम्मी पापा के हैं यार, कोई गच्छू के है, लेकिन ससुराल में आप सबको पता ही है कि कितनी ज़्यादा परेशानियाँ झेलना पड़ा था, चाहे गांव देहात हो चाहे सिटी हो। भैया हम तो गांव देहात तो ठीक है नहीं, हम तो पहाड़ी इलाका में रहता है, जहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ है। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही जानकारी, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए भी लगी हो तो अभी कर दीजिए, उसका ऐसे वीडियो तो बहुत खास बनाओ है आप सभी के लाने। और आपको पता ही है कि मेहनत कितनी लगा थे वीडियो बनाने में। चलो वीडियो को चैनल को मतलब सब्सक्राइब भी कर दी, और जो नए करो हुई